दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और घंटी जरूर दबा दें जिससे आपको अपडेट तुरंत मिल सके। हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं आधार कार्ड के ऊपर जो चल रही कई दिनों से मंथन का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज आ चुका है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि किन कामों के लिए आधार कार्ड जरूरी है और किन कामों के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं है। उन कामों को एक एक करके मैं बताऊंगा आपको और किन कामों के लिए जरूरी नहीं उसके बारे में बताऊंगा। तो सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला हो गया, जो आपके सामने जो डिटेल दिख रही है उसको मैंने सुप्रीम कोर्ट के नियम के अनुसार जो उसने अनाउंस किया उसको मैंने नोट डाउन किया और आपके लिए पेश कर रहा हूँ। तो चलिए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहली जो है खबर है जो मोबाइल सिम लेने के लिए आधार कार्ड अब जरूरी नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, अब किसी भी कंपनी की मोबाइल की जो है सिम लेते हैं तो आपके लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं होगा। बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए भी एक आधार कार्ड जरूरी होगा। आप किसी भी बैंक में अगर आप जाते हैं तो आपसे आधार कार्ड मांगा जाए तो आपको आधार कार्ड देने की जरूरत नहीं। आपके पास अगर आधार कार्ड नहीं है, नाम गलत है, जो भी है, तो बाकी कोई और डॉक्यूमेंट है उसको देकर अपना आधार कार्ड से जो है कोई मतलब नहीं, आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब बिना आधार कार्ड के भी जो है स्कूलों में ले सकेंगे एडमिशन। दोस्तों कई बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं होता था, या तो करेक्शन में कोई प्रॉब्लम आ जाती थी तो 9th हुआ 11th हुआ उसके रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आ जाती थी। चाहे किसी भी क्लास में जो है नाम लिखाने के लिए आधार कार्ड की वजह से दिक्कत आ जाती थी। CBSE नीट चाहे UGC की कोई भी परीक्षा हो उसमें आधार कार्ड जरूरी नहीं है। आपके पास कोई भी प्रूफ है आप लेकर जा सकते हैं। आधार कार्ड मैंडेटरी अपने हट चुका है। 14 साल की उम्र के बच्चे के लिए जो सरकारी योजनाएं लागू होती थी अगर उनके पास आधार कार्ड नहीं होता था तो वो आधार कार्ड का जो है लाभ न होने की वजह से सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते, तो वो अब लाभ ले सकते हैं। टेलीकॉम कंपनी, ई कॉमर्स फर्म, प्राइवेट बैंक या दूसरी निजी संस्थान आधार कार्ड की मांग अब जरूरी नहीं लगा सकेंगे। जैसे किसी भी कंपनी में जाते हो आधार कार्ड मैंडेटरी कर दिया जाता था कर्मचारियों के लिए, अब वहां से भी हट चुका है। इन दो कामों में जो है बता रहा हूँ मैं, जो इन दोनों कामों के लिए जब भी आप कराने जाएंगे तो आधार कार्ड जरूरी है। अभी भी पैन कार्ड बनवाएंगे तो आपके लिए आधार कार्ड जरूरी है। आयकर रिटर्न दाखिल करने जा रहे हैं तो आधार कार्ड जरूरी होगा। सरकारी योजना का कोई भी लाभ हो, चाहे गैस सब्सिडी हो, चाहे स्कॉलरशिप हो, चाहे किसी भी तरह की सरकारी योजना का अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो आपके लिए आधार कार्ड जरूरी है। दोस्तों ये न्यूज आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल की घंटी जरूर दबाइए ताकि जब भी मैं ऐसी न्यूज अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। और कोई कमी नजर आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई खबर के साथ।